पूरे देश में 11 दिवस के लिए गणपति उत्सव की धूम आज से शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि बुधवार को स्वाति नक्षत्र के मध्यान काल में बप्पा का आगमन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां इस वर्ष बड़े जोरों शोरों से हो रही हैं। वहीं सड़कों, मोहल्लों व घरों में बप्पा के आगमन से पहले सुंदर सजावट के साथ पंडाल व स्टेज चौकी बनाई जा चुकी है। अब बस इंतजार है शंख, घंटा, घड़ियाल व मंत्र ध्वनियों के बीच भगवती गौरी के लल्ला का आगमन। आपको बता दें कि 2 वर्षों के कोविड काल के बाद इस वर्ष गणेश महाउत्सव धूमधाम के साथ बड़े ही शुभ योग व तिथि से मनाया जाएगा। शास्त्रों व ज्योतिषों के माने तो भगवान गणपति सप्ताह में बुधवार के दिन अष्टधाता है और इसी दिन बप्पा अपने भक्तों को दर्शन देने भी आ रहे हैं। आपको बता दें कि शहर के वरिष्ठ ज्योतिषी गुरु पंडित विजय पांडे बताते हैं कि इस वर्ष कई महासंयोग एक साथ बन रहे हैं, जो देश काल में शुभता व लाभ के प्रतीक है। वही बुधवार को ही रवि योग व स्वाति नक्षत्र के 4 प्रमुख ग्रह भी स्वराशि में मौजूद रहेंगे। गुरु अपने स्वस्वामी मीन में तो शनि मकर में व बुध कन्या के साथ वही सूर्यदेव राशि सिंह में मौजूद रहेंगे। ये सभी संयोग के मध्य काल में गणेश स्थापना के समय से व्यक्ति के जीवन में वैभव, समृद्धि, शुभ लाभ की सुख की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही ज्योतिषी गुरु पंडित विजय पांडे ने बताया कि घरों व पंडालों में भगवान गणेश की कैसी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक जगहों के पंडालों में 3 फीट से लेकर 100 फीट तक प्रतिमा स्थापित की जा सकती है। इन स्थानों पर गणेश स्थापना के लिए भगवान गणपति की मूर्ति मिट्टी से बनी होनी चाहिए। वहीं घर और अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भगवान गणेश की मूर्ति मिट्टी के अलावा सोने, चांदी और अन्य चीज़ों से बनी मूर्ति रख सकते हैं, जो कि 1 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही भगवान गणेश की प्रतिमा जब भी स्थापित करें तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि उनकी मूर्ति खंडित अवस्था में नहीं होनी चाहिए। वही गणेश जी की मूर्ति में उनके हाथों में अंकुश, पास, लड्डू, सूंड घुमावदार उत्तर दिशा की ओर हो और हाथ वरदान देने वाली मुद्रा होनी चाहिए। इसके अलावा उनके शरीर पर जनेऊ और उनका वाहन मूसक जरूर होना चाहिए। साथ ही भगवान को भोग में मेवे के लड्डू, मोदक का भोग व पान सुपारी के साथ दक्षिणा अर्पण करनी चाहिए। वहीं ज्योतिषी गुरु विजय पांडे ने बताया कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को प्रायः 6 से 7:30 बजे तक लाभ की चौघड़िया में, प्रातः 7:30 से 9 बजे तक अमृत चौघड़िया में, वही प्रातः 10:30 से 12 बजे तक श्रेष्ठ मुहूर्त जिसमें मध्यकान, अभिजीत मुहूर्त व शुभ की चौघड़ियां प्राप्त हो रही है, जिसमें भगवान गणपति की स्थापना व पूजन करना उत्तम रहेगा। वही दोपहर 12:00 से 1:30 बजे तक राहु काल रहेगा, जिसमें स्थापना व पूजन निषेध है। इसके साथ ही बड़े पंडालों में शाम 4:30 से 6:00 बजे तक भगवान गजानन की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं, पर पूजन कलश स्थापना 3:30 बजे से पूर्व शुरुआत में हो जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।